आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। जाट आरक्षण को लेकर प्रदेश में मचा कोहराम आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा में जातों को 5% आरक्षण देने से पहले गठित जस्टिस केसी गुप्ता आयोग की सिफारिशों पर लगाए गए सवाल पर नारनौल निवासी एडवोकेट दयाराम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसी मुद्दे को लेकर आज रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत में एडवोकेट दयाराम ने बताया कि याचिका में आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से गलत मानते हुए पहले ही सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सही नहीं माना था और इसी आधार पर यह आरक्षण रद्द कर दिया गया था। लेकिन मौजूदा सरकार ने भी केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट को ही आधार बनाकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसी नोटिफिकेशन को पहले में दिए गए निर्णय के आधार पर खारिज करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। बीते 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और इस मुद्दे पर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के लिए कहा है। जो दिया गया था, जो हमारे साथ अन्याय करते हुए बीसी और बीसी बीच 5-5% कम करके जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को देने के लिए हुड्डा सरकार के टाइम में एक आयोग गठन किया गया जिसके चेयरमैन केसी गुप्ता है। सर्वे करवाया था, उस सर्वे को एमडी यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया गया था। उस सर्वे में इन्होंने दिखाया था कि भाई जाटों की हरियाणा में पोजीशन हल्की है, ये इसके लिए इंटाइटल है। उसको चैलेंज किया गया था उस समय सेंट्रल बैकवर्ड क्लास कमीशन ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी डली, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। हम उस ऑर्डर के खिलाफ, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जो हमने 1 जनवरी 2018 को हमने पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। उसकी कल हमारी सुनवाई थी, जिसके अंदर कल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन एडमिट करते हुए हरियाणा सरकार को 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए दिए थे। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में क्या रखती है। सत्य खबर के लिए रेवाड़ी से संजय कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।